गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों मैं सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और सुबह 5 बज रही है। दोस्तों संडे का दिन है, वैसे भी छुट्टी का दिन है, मंडियां सभी बंद हैं, लेकिन मैं आज से थोड़ा डेली सुबह सुबह घूमने के लिए निकलता हूं। दोस्तों तो आपको हमारे ब्लॉग पर डेली मॉर्निंग ब्लॉग देखने को मिलेगा दोस्तों। और हमारे साथ जो भी फ्रेंड्स घूमने आते हैं तो क्या सुबह सुबह मॉर्निंग में हम कहाँ तक कितना घूमते हैं। सुबह सुबह दोस्तों देखें तो यह आम का पेड़ है, इस पर जो केवी है वो लगने लगी है कहीं कहीं, और ये जो सड़क मार्ग है हम इस पर घूम रहे हैं, ये निम्बाड़ा छोटी सालडी मार्ग है। निम्बाड़ा छोटी सालडी मार्ग के हम लगभग 3 किलोमीटर आगे तक जाते हैं और वापस घर तक जाते हैं, तो लगभग यहाँ आधा घंटा से पौन घंटा के लगभग हमको इस दूरी को कवर करने में लगता है। और डेली की दोस्तों सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से शरीर अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, जल्दी उठते हैं तो अच्छा काम होता है, और सुबह जल्दी उठना चाहिए वैसे, बहुत ही अच्छा, इससे सेहत के लिए लाभदायक है। और मैं भी रोज़ रोज़ घूमने जाता हूँ तो ये अच्छा है कि भाई आप सुबह सुबह मॉर्निंग की ताज़ा हवा लें और सुबह घूमने जाएंगे तो आपका शरीर बहुत ही अच्छा दिन भर तंदुरुस्त रहेगा और सुस्ती नहीं रहेगी। आपको जो भी वर्क करते हैं, ऑफिशियली वर्क या किसी प्रकार का गृह कार्य भी करते हैं तो किसी प्रकार के आलस्य नहीं आएंगे, तो इस प्रकार से आपको सुबह सुबह घूमना चाहिए। मॉर्निंग वॉक से शरीर का जो संतुलन है वो बना रहता है और खून का सर्कुलर लगातार चालू रहता है। अगर जो भी नसें ब्लॉक हैं वो ब्लॉक नसें भी खुल जाती हैं, जिसके कारण जो खून अपने शरीर में एक लगातार सर्कुलर बनाता है वो सर्कुलर लगातार जारी रहता है। तो दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डेली आपको इस ब्लॉग का मॉर्निंग वीडियो आपको मिलेगा।